आज देश के 15वें राष्ट्रपति के नाम का ऐलान होगा और राष्ट्रपति चुनाव के लिए सुबह 11 बजे संसद भवन में मतगणना शुरू होगी। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू जबकि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार है। मुर्मू की जीत की काफी संभावना जताई जा रही है। यदि वो जीत हासिल करती हैं तो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी। चुनाव अधिकारी संसद की कमरा संख्या 63 में मतगणना के लिए तैयार है। इस कक्ष में मतपत्रों की 24 घंटे कड़ी सुरक्षा की जा रही है। चुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्यसभा के सचिव जनरल पीसी मोदी मतगणना की निगरानी करेंगे। शाम तक चुनाव परिणाम घोषित किए जाने की संभावना है। और अवनीश हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। अवनीश, एक तरफ यशवंत सिन्हा है तो दूसरी तरफ कह सकते हैं एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू है जीत की प्रबल दावेदार। और क्या लगता है आज क्या कुछ संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि आज देश को 15वें राष्ट्रपति मिलने वाला है, देर शाम इसकी घोषणा हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, देखिए देश को 15वें राष्ट्रपति आज मिल जाएंगे और वैसी स्थिति में आज 11 बजे से संसद भवन में मतगणना की शुरुआत होगी। मतगणना को लेकर पूरी तैयारी पूरी कर ली गई है और जो देखिए जो आंकड़े हैं, खासतौर पे एनडीए की तरफ से आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया था, वहीं यूपीए की तरफ से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया था। लेकिन जो यूपीए के जो उम्मीदवार थे, यूपीए ने जोर काफ़ी लोगों से संपर्क भी किया, एनडीए की तरफ से भी जो प्रत्याशी थे उन्होंने भी जनसंपर्क चलाया। जो वोटिंग हुआ, वोटिंग में काफ़ी संख्या में क्रॉस वोटिंग भी हुए हैं, कई महाराष्ट्र में हो, उड़ीसा में हो, कई राज्यों में जो है क्रॉस वोटिंग की संभावना जो है यूपी में कई राज्यों में बढ़ी है। तो वैसी स्थिति में और कई दलों ने जो पहले यूपीए का समर्थन किया था उन्होंने बाद में एनडीए समर्थित उम्मीदवार का समर्थन किया, तो वैसी स्थिति में एनडीए समर्थित उम्मीदवार की जीत की संभावना काफ़ी ज़्यादा है और ऐसी उम्मीद है कि जो परिणाम आएंगे तो जो परिणाम जो है वो एनडीए के पक्ष में जाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से एनडीए तमाम राज्यों के जो दल हैं उनसे संपर्क उन्होंने किया, चाहे उड़ीसा के बीजू जनता दल हो, टीडीपी हो, झारखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, तमाम दल जो पहले कुछ भी बोल नहीं रहे थे वो बाद में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन उन्होंने किया, क्योंकि एक आदिवासी महिला को उम्मीदवार बनाया गया था और एक पहली बार देश की राष्ट्रपति जो है आदिवासी महिला समाज से होगी, तो इसको लेकर तमाम लोगों में भी काफ़ी खुशी थी और इसीलिए उन लोगों ने समर्थन भी किया। तो ऐसी उम्मीद है कि जो परिणाम आएंगे वो जो एनडीए समर्थित उम्मीदवार है उनके पक्ष में आएंगे, क्योंकि आंकड़े जो है वो चुनाव के दिन ही ऐसे अनुमान लग गए कि काफ़ी संख्या में क्रॉस वोटिंग के साथ साथ कई दल ऐसे थे जो यूपीए के साथ थे, उन्होंने बाद में पाला बदल लिया और वो एनडीए के साथ हो गए। तो वैसी स्थिति में एनडीए के उम्मीदवार की संभावना ज़्यादा है, लेकिन सब कुछ शाम में स्पष्ट हो पाएगा जब चुनाव परिणाम आएंगे। लेकिन देश को आज 15वें राष्ट्रपति मिलने जा रहा है, इसको लेकर तमाम लोगों में भी खुशी है और सब तमाम लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि आखिर देश का राष्ट्रपति 15वां कौन होगा। तो हमें लगता है कि 11 बजे से मतगणना की शुरुआत होगी और देर शाम तक मतगणना चलेगी, तो ऐसी स्थिति में देर शाम तक परिणाम आ पाएंगे। लेकिन जो प्रबल संभावना है उसमें एनडीए समर्थित उम्मीदवार का पलड़ा जो है वो ज़्यादा भारी दिख रहा है। बिल्कुल, पलड़ा जो है वो भारी दिख रहा है और करीब 15 साल बाद प्रतिभा सिंह पाटिल के बाद द्रौपदी मुर्मू अगर जीतती हैं तो वो एक महिला राष्ट्रपति मानी जाएंगी। और बता दें कि जिस तरह से लगातार जो चर्चा चल रही थी और एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने भी बिहार आकर समर्थन मांगा, वहीं दूसरी ओर बात कर ले तो यशवंत सिन्हा भी बिहार दौरे पर आए, लेकिन प्रबल दावेदार के रूप में द्रौपदी मुर्मू जानी जा रही हैं। तो सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतों की गिनती होगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतों की गिनती होगी। शाम 5 बजे इसकी घोषणा की जाएगी कि आखिर जीत का ताज किसके सिर पर होगा। हालांकि प्रबल दावेदार जो है वो द्रौपदी मुर्मू मानी जा रही है और इनके जीत लगभग लगभग तय मानी जा रही है।